एशियन गेम्स रे इतिहास रचिला भारत मेडल जितिबारे सर्वकालीन श्रेष्ठ रेकर्ड स्वर्ण पदक विजय रे भी सर्वकालीन रेकर्ड रौप्य पदक जितिले ओडिया एथलीट किशोर जेना मोदी खेलो इंडिया कला कमाल एथर शत हेब कि 100 पदकर स्वप्न सुटिंग रु नहीं एथलेटिक्स क्रिकेट रु नहीं टेनिस सबुथिरे भारतीय क्रीडाबीतों कमाल चीन में खेला जाउथिबा एशियन गेम्स रे देश पई पदक वर्षा करुछंती भारतीय खिलाड़ी पदक जीति प्रतिदिन देश पई गौरव आणुछंती आज जावेलिन रे कमाल करिछंती दुई भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स रे भी स्वर्ण जीतिछंती तांको सह जावेलिन रे रौप्य पदक जीति कमाल करिछंती ओडिया पुओ किशोर जेना बुधवार दुईट स्वर्ण पदक सह भारत को मिली मोट 9 पदक एथसह एशियान गेम्स 80 डेई भारत मेडल संख्या मेडल संख्या दृष्टि एशियान गेम्स यह देशर सर्वकालीन श्रेष्ठ प्रदर्शन भारत 2018 जकार्ता एशियान गेम्स 70 पदक जितबार रेकर्ड बहु पछरे पड़ जाए जकार्तार 16 स्वर्ण 23 रौप्य 31 ब्रोंज पदक जीति भारतीय क्रीडाविद एथर देश स्वर्ण पदक विजय में भी नुआ रेकर्ड हो एशियन गेम्स रे भारतर रेकर्ड प्रदर्शन पछरे रही मोदी खेलो इंडिया मिशन देश में क्रीडार विकास में 2017-18 खेलो इंडिया अभियान आरंभ करते मोदी सरकार यह मिशन अधीन देश में तृणमूल स्तर में क्रीड़ा संस्कृति सृष्टि लगातार उद्यम करीड़ा भित्तिमि विकास सह प्रकृत क्रीड़ा प्रतिभा चयन एवं विभिन्न स्तर में क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन विभिन्न पर्यायर क्रीड़ाविद तालीम सह विविध प्रोत्साहन जगै दि जा गत 6 वर्षर उद्यमर फलाफल एथर एशियान गेम्स रे देखा मिलूँ जहाँफल विश्व क्रीड़ा मानचित्र बड़ स्थान हासिल करने को भारत खेलो इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत शानदार शुरुआत की जिसके लिए 3300 करोड़ रुपये का बजट रखा है और इसे पिछला साइकिल जो अभी खत्म हुआ उसमें भी 3100 करोड़ रुपये खर्च किए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहाँ टॉप्स जैसी योजनाओं को लेकर आए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम खिलाड़ी का बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है देश और विदेश का और 6 लाख रुपीज़ उसको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी मिलते हैं जो एलीट एथलीट है कोर ग्रुप में है। डेवलपमेंट एथलीट को 3 लाख रुपये पॉकेट अलाउंस यानी कि जेब खर्च अलग से मिलता है। 3000 खिलाड़ियों को हम खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज़ में 6,20,000 रुपया एक एक खिलाड़ी पर खर्च करते हैं। ऐसे हमने कई सेंटर्स और खोले जिससे खेलों को बढ़ावा मिले। फिर दूसरा जैसा आपने कहा खेलो इंडिया में यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स इनका आयोजन किया जाता है 15,000 से ज़्यादा खिलाड़ी खेलते हैं और उसके माध्यम से देखने को मिला कि वो प्रतिभा ऊपर आई वो खिलाड़ी ऊपर आए जिनको पहले कभी मौका नहीं मिला था। कल भी शूटिंग में जो 3-4 खिलाड़ी थे एकता से लेकर प्रिया और बाकी सब ये खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म से ही आ गया है या सिफ्त कौर थी जिसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो खेलो इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से आई। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है जो हमें प्रेरणा देती है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन कि कैसे खेलों को आगे बढ़ाना तो खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छा किया है। एशियन गेम्स रे पदक दृष्टि सर्वकालीन रेकर्ड भांगी सारी एथर 100 पदक जितबार स्वप्न पूरण हो आशा कर। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।